गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू एपिसोड सचिन तलेकर व्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है कुरासो। ऑफिशियली द कंट्री ऑफ कुरासो इज इन द साउथर्न कैरेबियन सी एंड द डच कैरेबियन रीजन। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोजेस्ट कंट्री पे आते तो वेनेजुएला और अरूबा इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है। अभी हमारे इसके पॉपुलेशन पे तो अबाउट 1,92,000 पॉपुलेशन है कुरासो की। अभी हमारे इसके कैपिटल पे तो विलियमस्टेड इसका कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी भी विलियमस्टेड ही है। अभी हमारे इसके ऑफिशियल लैंग्वेज पे तो पपायामेंटो डच इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारे इसके इथनिक ग्रुप पे तो 75% एफ्रो कुरासो, 9% डच, 4% डोमिनिकन, 5% कोलंबियन, 2% हेटियन, 1% अरूबियन और वेनेजुलियन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारे इसके रिलीजन पे तो 90% क्रिश्चियनिटी, 73% रोमन कैथोलिक। अभी हमारे इसके वीज़ा पे तो ऑब्वियसली हमें वीज़ा रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स, और वीज़ा पोर्टल है www.netherlandsworldwide.nl। मैं रिपीट करता हूँ, www.netherlandsworldwide.nl इसका वीज़ा पोर्टल है। अभी हमारे इसके वीज़ा फीस पे तो 80 यूरो है, इंडियन करेंसी में 7,200 होता है। प्रोसेसिंग टाइम है 15 वर्किंग डेज, मैक्सिमम स्टे 90 डेज का है। ठीक है फ्रेंड्स, और करेंसी है नेदरलैंड एंटिलियन गल्डर। ठीक है, इंडियन करेंसी में होता है वहाँ का एक एंटिलियन, इंडियन करेंसी में होता है 46.18। ठीक है, अभी हमारे इसके ड्राइविंग साइड पे तो ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +599। अभी हमारे इसके मिनिमम एवरेज एंड हाई सैलरी पे तो जो भी मैं कहूँगा वो वहाँ की लोकल करेंसी में ही कहूँगा एंटिलियन में। तो वहाँ का मिनिमम सैलरी है 600 एंटिलियन, तो इंडियन करेंसी में होता है 27,600। एवरेज है 1,600 एंटिलियन, तो इंडियन करेंसी में होता है 73,600। हाई सैलरी है 5,500 एंटिलियन, तो इंडियन करेंसी में होता है 2 लाख अबाव। अभी हमारे इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे अगर हम जाते हैं वहाँ पे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ग्रॉसरी और अपार्टमेंट का भी हमें जान लेना चाहिए कि कितना एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, तो जो भी मैं कहूँगा वहाँ पे लोकल करेंसी में ही कहूँगा एंटीलियन में। ठीक है, तो मिल्क है 1 लीटर 3 एंटीलियन, राइस है 1 kg 4 एंटीलियन, एग है 12 पीस 6 एंटीलियन, टमाटो है 1 kg 7 एंटीलियन, पोटैटो है 1 kg 6 एंटीलियन, ऑनियन है 1 kg 5 एंटीलियन, वाटर 1.5 लीटर 3.50 एंटीलियन। अभी मतलब इसके अपार्टमेंट पे अगर हम जाते हैं बिजनेस और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें मकान भी चाहिए, अपार्टमेंट भी चाहिए, क्योंकि हम होटल में कितने दिन तक वहाँ पे रह सकते हैं राइट, वो तो पॉसिबल नहीं है कि हम वहाँ पे होटल में स्टे करें, क्योंकि होटल काफ़ी एक्सपेंसिव होता है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखें हमेशा वहाँ पे जाइए, 2-3 दिन होटल में रुके, मैक्सिमम 1 वीक होटल में रुके, उसके बाद आप कोई भी अपार्टमेंट ले लीजिए, सस्ता वाला स्मॉल वाला, तो आपको ईजी पड़ेगा और ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा फाइनेंशियली, आप इजीली वहाँ पे मैनेज कर पाओगे। ठीक है, और वहाँ पे घर पे ला के ही अपार्टमेंट में ही आप कुक भी कर सकते हो इंडियन फूड, क्योंकि इजीली स्पाइसेस और रेस्ट ऑफ ऑल फूड हमें सुपरमार्केट में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारे इसके अपार्टमेंट की कॉस्टिंग पे तो 1 बेडरूम इन सिटी 1,000 एंटीलियन, आउटसाइड सिटी 800 एंटीलियन, 3 बेडरूम इन सिटी 1,800 एंटीलियन, आउटसाइड सिटी 1,400 एंटीलियन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारे इसके रूट पे तो रूट जो है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं जो एयरलाइंस मैंने चूज़ की है वो है KLM एयरलाइंस, और इसका रूट जो बनता है वो है मुंबई से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से कुरासो। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि मैंने कल ही फ़ोन किया था, कल ही बात की थी, तो मैंने KLM एयरलाइंस में डायरेक्टली कॉल किया था। ठीक है, लेकिन जो फ़्लाइट ये बनती है मुंबई और दिल्ली से एम्स्टर्डम वाया कुरासो, ठीक है, अभी के लिए एट प्रेजेंट वो उन्होंने बंद की है, मुझे पता नहीं, मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने कहा कि अभी एट प्रेजेंट बंद की है ये रूट पे, टिल जैन तक तो अवेलेबल नहीं है। मैंने जैन तक पूछ लिया था कोई भी अवेलेबल है क्या, तो नहीं थी जैन तक। तो रेस्ट रूट बनता है हमारा वो है न्यूयॉर्क से US होके या फिर लंदन होके, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा दोनों जगह पे लगेगा, US का भी लगेगा। अगर आप लंदन वाले रूट से कुरासो जा रहे हो तो वहाँ का लंदन का ट्रांजिट वीज़ा लगेगा, आप US का रूट ले रहे हो तो आपको US ट्रांजिट वीज़ा लगेगा। तो विदाउट ट्रांजिट वीज़ा आप ट्रैवल नहीं कर सकते इस रूट पे, इस डेस्टिनेशन कंट्री पे। ठीक है, कुरासो में जाने के लिए हमें ट्रांजिट वीज़ा लेके ही जाना होगा। और जो मैं एम्स्टर्डम वाला मैंने आपको रूट बताया उसके अंदर वो फ़्लाइट अभी बंद है, दिसंबर जैन तक तो अवेलेबल ही नहीं है, उनका इंटरनल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उन्होंने कहा था, तो अभी पता नहीं KLM एयरलाइंस का क्या चल रहा है, तो उन्होंने ये रूट बंद किया हुआ है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो अभी हमारे पास अभी ऑप्शन यही है दो, एक तो लंदन से या फिर US से होके, तो हमें दोनों जगह पर ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना है और इंक्लूडिंग कुरासो का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है, तो दो वीज़ा लगेगा। तो यही था फ्रेंड्स,
और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में तो आपको पता है कि पासपोर्ट, होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट, ये तीन चीज़ तो हो गया। वीज़ा आपका ट्रांजिट वीज़ा हो गया, क्योंकि एम्स्टर्डम वाला रूट बंद है केएलएम एयरलाइंस का, तो आपको यूएस से ट्रांजिट वीज़ा लगाना होगा या फिर यूके का, तो ये ट्रांजिट वीज़ा लगेगा आपका। फिर जो वीज़ा रहेगा वो आपको लगेगा, वो आपका मिलेगा, फिर आप अप्लाई करोगे ट्रांजिट वीज़ा के लिए, ठीक है। फिर होटल रिजर्वेशन हो गया, रिटर्न टिकट हो गया, टूरिस्ट ये, फिर ट्रैवल इंश्योरेंस आप ले लेना, जॉब और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे तो PCC, मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप रख लीजिए, कोविड सर्टिफिकेट आप बैकअप के लिए रख लीजिए, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी रिलेटेड, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन देव का ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।